चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल को सेलेक्ट करें। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रियल ट्यूब नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अमेजोन पे जो नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट होते हैं या फिर रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट होते हैं, उनका हम रिफंड कैसे लें। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट होते हैं उनका हमें रिफंड नहीं दिया जाता, यानी कि पैसा नहीं दिया जाता, उसकी जगह हमें दूसरा पार्सल दे दिया जाता है और जो पहले वाला डिफेक्टिव है, जो हमें पसंद नहीं है, वो हमसे ले लिया जाता है। ऐसे में हम उसको रिटर्न करके रिफंड कैसे लें, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके आप चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि जो नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट हैं, जो हम रिटर्न नहीं कर सकते हैं, उनको हम रिटर्न कैसे करें। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमें मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट होते हैं उनमें हमें रिफंड नहीं मिलता, उसकी जगह हमें दूसरा प्रोडक्ट भेज दिया जाता है। तो ऐसे में अगर आप करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने परचेज किए थे वो भी रिफंड नहीं हो रहे थे, फिर भी उनका रिफंड मुझे मिल गया। तो कैसे करना है इसके लिए दोस्तों, जब भी आप ऐसे प्रोडक्ट परचेज करते हैं जो नॉन रिफंडेड हो, सिर्फ रिप्लेसमेंट उन पे मिलती हो, तो परचेज करने के बाद में आपको करना क्या है, उसको रिटर्न के लिए अप्लाई करना है। जैसे आप रिटर्न के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ पे रिप्लेसमेंट का ही ऑप्शन मिलेगा, न कि रिफंड का, यानी कि आपको पैसा नहीं मिलने वाला। ऐसे में आपको करना क्या, सबसे पहले वो प्रोडक्ट आपको रिप्लेसमेंट के लिए दे देना है। और रिप्लेसमेंट, जब भी आपकी रिप्लेसमेंट आए तो आपके पास दो ऑप्शन मिल जाते हैं। दो ऑप्शन कौन कौन से हैं, पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है कि आप प्रोडक्ट रिसीव कर ले और उसके बाद में दोबारा से उसको रिटर्न के लिए लगाएं। तो इस बार क्या होगा कि आप जब भी उसको रिटर्न करेंगे तो आपको जो रिप्लेसमेंट का ऑप्शन वहाँ पे मिल रहा था वो ऑप्शन आपको वहाँ पे दिखाई नहीं देगा, आपको रिफंड का ऑप्शन वहाँ पे दिखाई देगा। और दूसरा जो सबसे आसान तरीका है, अगर आप रिप्लेसमेंट के लिए लगाते हैं तो आप उस प्रोडक्ट को पिकअप नहीं करें, अगर आप पिकअप ही नहीं करेंगे तो उसका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा और दोबारा से अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको वहाँ पे रिप्लेसमेंट की बजाय रिफंड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप आसानी से अपने जो रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट हैं जिन्हें आप रिटर्न करना चाहते हैं, पैसा आपके बैंक अकाउंट या जिस मेथड से आपने पेमेंट किया था उसमें आ जाएगा। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बाय फ्रेंड्स।